नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। हैदराबाद नगर निकाय चुनाव को लेकर जुबानी जंग का दौर तेज होता जा रहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने चुनाव से पहले हैदराबाद के लोगों से शहर को विभाजनकारी ताकतों से बचाने की अपील की है। उनकी ये अपील बीजेपी की तरफ संकेत कर रही है। बीजेपी ने हैदराबाद निकाय चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं के चुनावी कार्यक्रम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा है कि विभाजनकारी ताकतें हैदराबाद में घुसने और तबाही मचाने की कोशिश कर रही हैं। क्या हम इसकी इजाज़त देने जा रहे हैं? क्या हम अपनी शांति खोने जा रहे हैं? उन्होंने शहर के बुद्धिजीवियों और पेशेवर लोगों से आगे आने, मतदान करने और लोगों को शिक्षित करने की अपील करते हुए कहा है कि ये हैदराबाद को बचाने के लिए है, हमारे इतिहास को बचाने के लिए है, हैदराबाद की शांति को बचाने के लिए है। केसीआर ने हैदराबाद के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का प्रचार करते हुए ये बात कही। ग्रेटर हैदराबाद नगर निकाय चुनाव में मतदान 1 दिसंबर को होना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।